हास्ता ला वीस्ता, कैसे है मेरे बादाम पिस्ता। मैं हूँ मनु दिवारक और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। लगता है हमारी सरकार ने वायरस के डायलॉग को दिल से लगा लिया है कि लाइफ इज अ रेस एंड नो वन रिमेम्बर्स हु केम सेकंड और थर्ड। और कोरोना वायरस की केसेस की रेस में अगर हमें नंबर वन पे पहुंचना है तो एग्जाम तो हमें देने ही पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले जेईई नीट पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन लेने में 5 मिनट का वक्त भी नहीं लगा। यार इससे ज्यादा सोच के तो मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ। देखो एजुकेशन बहुत बड़ा बिजनेस है और इस बिजनेस में कोचिंग और प्राइवेट कॉलेजेस का सबसे ज्यादा फायदा है और सरकार भी शायद अपने इस बिजनेस को बंद नहीं होने देना चाहती। और सुब्रमण्यम स्वामी के इस रिप्लाई से तो ये सब क्लियरली साफ है। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे इतने इम्पोर्टेंट डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। वैसे तो मैं ऐसे सीरियस टॉपिक कवर नहीं करता हूँ, बट थैंक्स टू अमीश जिसने मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सजेशन दिया। सो आज ये सभी फ्यूचर्स के डॉक्टर और इंजीनियर्स का सवाल है सरकार से कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स की सेफ्टी, वेट नॉट जस्ट स्टूडेंट की सेफ्टी बट उनके फैमिली की जिंदगी, या एग्जाम। इन एग्जाम को पोस्टपोन करने के क्या रीजन है? आखिर अगर एग्जाम अभी नहीं होंगे तो कब होंगे और इसके सॉल्यूशन क्या है? और अगर जेईई और नीट की परीक्षा हुई तो क्या होगा? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से लॉजिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। ऑलरेडी 14-15 बच्चे मेंटल प्रेशर की वजह से सुसाइड कर चुके हैं। ज्यादातर मेनस्ट्रीम मीडिया इस टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम NDTV आई गेस और कुछ यूट्यूबर्स और पॉलिटिशियंस इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन खैर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक सवाल है उन हायर अथॉरिटीज और डिसीजन मेकर से कि क्या आप उन स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो। हम सभी जानते हैं कितनी तेजी से कोरोना वायरस फैल चुका है और इवन फैल रहा। टू बी ऑनेस्ट मैं खुद भी कोरोना वायरस पॉजिटिव था। 4-5 वीडियो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से ये लग रहा है कि अथॉरिटीज ने सेफ्टी और जिंदगी सब उपवाले पर छोड़ दी है। वैसे तो सरकार भी सो कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र हर जगह हर स्पीच में करती है। ये भी कहते हैं कि एग्जाम के दौरान SOP विच सिंपली मीन्स कि मास्क लगाए रखेंगे, कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस हर स्टूडेंट्स में होगी, सैनिटाइजर यूज करेंगे। लेकिन जितना यह बोलने में और कागजों में आसान लगता है, असलियत में इस SOP का नामो निशान भी हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा। 2 दिन पहले ही कर्नाटक में कोमेट के का एग्जाम हुआ और इन तस्वीरों से आप SOP की धज्जियां उड़ते हुए साफ देख सकते हैं। हाँ कुछ ने फेस शील्ड और ग्लव्स लगाए हुए हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली सोशल डिस्टेंसिंग मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है। अगर आपको दिखे तो जरूर बताना। आर यू कॉमेडी मी? द बेसिक प्रॉब्लम इज कि ये एग्जामिनेशन हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दे रहे हैं, नो डाउट, बट गेट पर या स्ट्रीट पर जहाँ ये एग्जाम सेंटर्स होंगे उस पर कौन फोकस करेगा? जहाँ ये सारे लिस्ट लगे हुए होते हैं और स्टूडेंट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ कर देखते हैं, इसे कौन संभालेगा? अमित शाह हमारे देश के होम मिनिस्टर जो कि ऑलरेडी इतनी सुरक्षा में रहते हैं, आई डोंट थिंक कि कोई और उतनी ज्यादा सुरक्षा में रहता होगा, वो तक कोरोना से अफेक्टेड हो गए हैं। तो हम आम खाने वाले आम जनता की क्या और कैसे बात करें? हाँ मेरे खुद के अनुभव से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हम यूथ को कोरोना से ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मैं भी ठीक हो गया, मेरे कई कॉन्टेक्ट के लोग भी ठीक हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम खुद जाके कुएं में कूद जाएं। ये ऑब्वियस सी चीज है कि स्टूडेंट्स के सेंटर हजारों किलोमीटर दूर है। कोई पटना का होकर दिल्ली में जाकर एग्जाम दे रहा है, कोई किसी और जगह पे, और अगर किसी अननोन और न्यू शहर में जाने के क्रम में कोई वायरस की चपेट में आ गए और एक कैरियर बन गए तो फिर हम जहाँ जाएंगे अननोइंगली उन्हें स्प्रेड ही करेंगे। हाँ मुझे पता है अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि रिकवरी रेट्स काफी अच्छी हो चुकी है भारत में। हाँ आई टोटली एग्री, लेकिन उस मेंटल प्रेशर का क्या जिससे एक कोरोना वायरस पेशेंट गुजरता है? चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत, ये सब चीजें तो उनमें से एक है। और अगर कोई स्टूडेंट अस्थमा का पेशेंट है तो उनका क्या होगा? भारत में कई लोग ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा है, विच मीन्स चाचा चाची दादा दादी सब साथ में रहते हैं। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इस वायरस से ओल्ड एज कितना ज्यादा वल्नरेबल है। सो अगर इस एग्जाम के बाद किसी स्टूडेंट के रिलेटिव को कुछ होता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट लेगी? वैसे अब कुछ आर्ग्यू करेंगे कि लीगल शॉप या मार्केट तो अब खुल ही चुके हैं, देन एग्जाम हम आखिर कब तक पोस्टपोन करेंगे? हमारा एक ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो इसका एक सिंपल आंसर ये है कि मार्केट जाना या लीगल शॉप जाना आपकी चॉइस है, लेकिन एग्जाम्स के केस में स्टूडेंट्स के पास ऐसी कोई भी चॉइस नहीं है। अब सवाल ये आता है कि पोस्टपोन करने की आखिर वजह क्या है? क्या ऐसा सिर्फ
COVID-19 की वजह से हो रहा है? तो नहीं, एक्चुअली COVID-19 इज द मेन रीजन, लेकिन हम सबको पता है कैसे नॉर्थ इंडिया और देश के बाकी कोने फ्लड से जूझ रहे हैं। और इतना ही नहीं, बिहार जैसे जगहों पर तो अभी भी लॉकडाउन है जो कि 6 सितंबर तक चलेगा। तो उनका क्या होगा? मैं खुद कल अपने रिलेटिव के लिए लोकल ट्रेन ढूंढ रहा था फ्रॉम मोकामा टू पटना, एंड गेस व्हाट, 0 टिकट्स वे अवेलेबल। रिग्रेट, दैट्स द ओनली थिंग जो स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रही थी। एक स्टूडेंट जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, क्या सरकार उनके ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन का अरेंजमेंट कराएगी या उस स्टूडेंट को अपना प्राइवेट जेट बुक करना पड़ेगा? अभी पूरा देश अच्छे से खुला भी नहीं, एग्जाम्स की वजह से स्टूडेंट को कितना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, सेंटर वाले जगह पर रुकने का इंतजाम भी करना होगा, और कई रिलेटिव्स भी अभी के टाइम पे एक दूसरे को अपने यहाँ स्टे करने से मना कर रहे हैं। तो उनका प्रबंध कौन करेगा? एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने खुद वीडियो में बोला कि 6 महीने लाइफ में आगे मैटर नहीं करते, एंड वॉट मैटर इज आवर हेल्थ एंड फॉर द मासेस। अगर थोड़ा और एग्जाम पोस्टपोन हो सके तो क्यों नहीं। What I see, even if say suppose it is postponed to October, November, there is nothing is going to happen. Heavens will not fall. What I am saying, and we all feel, that to be healthy and well, to study. MHRD, Health Minister, UGC और बाकी जो भी decision maker हैं, उन्हें अमेरिका की ये news तो definitely देखनी चाहिए। वहाँ school खुलने के बाद 16 जुलाई से 30 जुलाई के बीच 97,000 students positive आए और करीब 162,000 लोगों की उस बीच में डेथ हुई। ये स्टूडेंट्स एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन पे हैं, क्योंकि अगर वो एग्जाम देने जाते हैं तो कोरोना वायरस की वजह से फैमिली और खुद की भी जान खतरे में डालेंगे, और नहीं जाएंगे तो अपना करियर। आखिर वो स्टूडेंट करे तो क्या करे? 30 लाख स्टूडेंट्स की सेफ्टी से बढ़कर तो कोई पॉलिटिक्स और एजुकेशन नहीं हो सकता है। मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आप ये सब जानने के बाद भी बच्चों के एग्जाम करवा रहे हैं, देन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर द मर्डरर ऑफ फ्यूचर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड आवर यूथ्स। सो अब सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि वेट, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है। ऐसे भी कई सारी कंपनीज लाइक भारत बायोटेक वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। सॉल्यूशन ये है कि एग्जाम कंडक्ट करवाने से पहले उन स्टूडेंट से पूछें जो एक्चुअली इतना ज्यादा प्रेशर झेलने वाले हैं। वैसे एग्जाम्स तो सिचुएशन में होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर होते हैं तो NTA को ये गारंटी देनी हो, एग्जाम सेंटर्स के बाहर गेट पर या स्ट्रीट पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें फॉलो होंगी, ताकि हम एसिम्प्टोमेटिक एरियन बनकर अपने ही रिलेटिव की जान ना ले लें। सॉल्यूशन ये है कि JEE नीट से अलग फाइनल स्टूडेंट की मार्किंग पिछले सेमेस्टर के परफॉर्मेंस पर होनी चाहिए, ताकि वो जॉब कर सके और अभी के टाइम पर अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। सो कंक्लूजन यही है कि अभी के टाइम पर कोई भी एग्जाम होते तो इससे ना सिर्फ कोविड के केसेस बढ़ेंगे और स्टूडेंट्स अफेक्टेड होंगे, बट स्टूडेंट्स के फैमिली भी। और हम सभी जानते हैं यूथ की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी ज्यादा है, और अगर ये सरकार से खफा हो गए तो कल को शायद सरकार भी गिर जाए। सम टॉप लेवल ऑफिशियल्स सेड कि हमें एकेडमिक क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है। आई टोटली एग्री, एकेडमिक क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी कीमत हमारी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं हो सकती है ना। वैसे भी सभी स्टैटिस्टिक्स से वाकिफ हैं कि हर साल कितने लोग जॉबलेस होते हैं। हाँ, कुछ गलती उनकी भी है, कुछ गलती सरकार की भी है। मैंने शायद इस वीडियो में गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स की फीलिंग है और गवर्नमेंट को मासेस के बारे में सोचना चाहिए। और स्टूडेंट से यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, सो उम्मीदें कम है, लेकिन इस उम्मीद पे मत बैठ रहना। अगर पोस्टपोन होती है तो बेस्ट है। वैसे भी सुब्रमण्यम स्वामी और बाकी सारे कई पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ हैं, लेकिन बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और आप अपने एंड से तैयारी करते रहो, और अगर कहीं ये एग्जाम होता है तो शायद सिचुएशन और बिगड़ जाए। वैसे एक बात याद रखो, सोसाइटी इज नॉट एन ऑप्शन, और मार्क्स आपको प्रोफेशनल दुनिया में सिर्फ एंट्री देते हैं, सक्सेस की गारंटी नहीं। वैसे तो मैं ये भी नहीं बोलता, लेकिन अगर किसी ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट में बताना आगे किसी में वीडियो बनाना चाहिए, शेयर योर पर्सपेक्टिव एज वेल। वैसे कभी सोचा है अगर कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे, तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस नहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।